से चल रहा हूँ 8-9 साल से। क्यों 8-9 साल क्यों हो गए? आप एक बार साइड में आ जाइए, साइड में आ जाइए आप। 8-9 साल से परिवार वाले घर वाले हैं कोई? घर वाले हैं, परिवार वाले भी हैं, लेकिन कोई नहीं, सिर्फ एक बहन है। हाँ, वो बिहार में है। अच्छा। बाकी माँ का भी इंतकाल हो गया, बाप का भी इंतकाल हो गया। हाँ। और बाकी घर पे कुछ है नहीं, घर पे कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। कौन सी जगह के रहने वाले हो आप? बिहार दरभंगा जिला। दरभंगा कौन से गांव के? मेरा नाम पोहद्दी। और आपका नाम क्या है? अली मुर्तुजा। तो आपने स्वेटर वगैरह भी नहीं पहन रखी है? बस ऐसे ही रहता हूँ। तो चप्पल भी नहीं पहन रखी है? पैरों, एक बार पैरों को दिखाइए सभी को। और कपड़े भी आपके बहुत गंदे हो रहे हैं, काफी दिन से नींद आई, आप इस तरीके से लग रहे हो। हाँ, इंशाल्लाह अजमेर शरीफ जाके नहाएंगे। अजमेर शरीफ कितने किलोमीटर आपको पता है यहाँ से? रात को कहाँ पर रहते हो? ऐसे कहीं भी ठहर जाते हैं रास्ते में, कहीं भी। जैसे खेतों में ही रहते हो क्या रात को? ना है, कहीं कभी किसी दुकान के नीचे, कहीं किसी टेबल पे, ऐसे जहाँ भी होता है वहाँ। अच्छा, भूख लगते? हाँ, भूख लगते तो ढाबे और होटलों में कुछ मांग के खा लेता हूँ, कोई कुछ अच्छा। देता है तो ले लेता हूँ। तो आपके पास स्वेटर भी नहीं है, सर्दी नहीं लगती आपको? अभी तक तो नहीं लग रहा। सर्दी नहीं लग रही है? और रात को सोते हो उस टाइम? हाँ, तो बिस्तरा है ना। क्या क्या चीज़ है आपके पास? चादर है। अच्छा, इससे सर्दी रुक जाती है क्या? हाँ, सर्दी रुक जाती है। और चप्पल वगैरह की व्यवस्था करवाऊँ आपकी? ना ना, चप्पल चाहिए तो बोलो। ना ना ना, है तो मेरे को तो अभी एक सूचना मिली थी, यहाँ से कोई ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर जाता है, तो उसने मेरे पास कॉल की कि ऐसे ऐसे एक बंदा आ रहा है इधर हिसार की तरफ से पैदल पैदल, और कोई मेरे को ऐसे लग रहा मंदबुद्धि है भी, परिवार से बिछड़ के आ जाते हैं ना काफ़ी लोग। आप तो परिवार से बिछड़ के तो नहीं आए, आप एक बार इधर आ जाइए। तो आपने, लेकिन हालत आपकी बहुत बुरी है, आप अच्छी तरह से साफ सुथरे हो के आगे निकल जाओ, आपको कपड़े दूसरे दे देते हैं, कोट दूसरा दे देते हैं। हाँ, इंशाल्लाह अजमेर जाके वहाँ है अपने बांटने वाले लोग, वहाँ भी रहते हैं। खाना वगैरह भाई साहब अभी खा लिया? आपको बताया ना कि कभी भी होटल या ढाबे पे कभी भूख लगता है तो मांग के खा लेता हूँ। दे देते हैं होटल वाले? हाँ, दे देते हैं, गरीब आदमी है ये समझ के दे देते। नहीं, आपको अभी कोट की व्यवस्था करवा देता, एक तो कोट दे देते आपको, एक दूसरे कपड़े दे देते। आपको परिवार में जाना अपने? हाँ, इंशाल्लाह पहले अजमेर शरीफ जाएंगे, उसके बाद सोचेंगे कि कहाँ जाना। वैसे आप समझदार लग रहे हो मेरे को, वैसे कोई हाँ, बात नहीं है कि भी आप मंदबुद्धि नहीं हो। हाँ, हाँ। भी आपको सारा पता है, एड्रेस वगैरह आपको यहाँ से बस में भेज दे तो पैदल ही, इंशाल्लाह पैदल। तो देखिए, अजमेर शरीफ जा रहे हैं भाई साहब, और पैदल पैदल जा रहे हैं, कपड़े भी काफी दिन से नहीं चेंज किए होंगे, एक ही जोड़ी कपड़े होंगे आपके पास? हाँ, एक ही जोड़ी कपड़े। तो इनके लिए मैं एक बात बोलता हूँ, इनके लिए एक शेयर जरूर बनता अपना। मैं तो इस सूचना पे यहाँ पर पहुंचा हूँ कि अपने परिवार से कोई बिछड़ा हुआ तो नहीं है जो रोड पे अपने पैदल पैदल जाने की सोच रहा हूँ कि मैं अपने घर जाऊं पैदल पैदल। उसी तरीके काफी लोग मेरे को मिलते हैं। अभी राजपाल एक ड्राइवर है जो हिसार जा रहे थे, उनका मेरे पास फोन आया, फोन आने पर मैं यहाँ पर पहुंचा तो देखा वास्ते में इनकी भी बुरी हालत है अभी, लेकिन इनके लिए जो मैं मदद के लिए बोल रहा हूँ तो ये मदद के लिए मुझे मना कर रहे हैं कि मुझे मदद नहीं चाहिए। किसी प्रकार की मदद चाहिए आपको? बोलो किसी भी प्रकार की तो आपको मदद करते हैं। कुछ नहीं, ऐसे पैदल जाना है, इंशाल्लाह अजमेर शरीफ जाएंगे, गरीब नवाज के दरगाह पे, वहाँ पे जियारत करेंगे, उसके बाद नहाएंगे धोएंगे, इंशाल्लाह कपड़े पहनेंगे। इतने आप नहाओगे भी नहीं? पैसे वगैरह की कोई हेल्प? पैसे हैं मेरे पास देने वाले, 10-20-50-100-200 ऐसे देते रहते हैं। एक आदमी ने एक दिन 500 रुपया दिया, एक आदमी ने 100-100 रुपया दिया, ऐसे पैसे हैं। तो आप बिहार से ही पैदल चल के आए हो? हाँ, बिहार से झारखंड, कोलकाता, हाँ, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, हाँ, हरिद्वार, चंडीगढ़, अम्बाला, और ये अब राजस्थान जा रहे हैं। हाँ, राजस्थान से अभी आप राजस्थान में हो अभी आप? हाँ, हाँ। राजस्थान के राजगढ़ के अंदर हो अभी आप? हाँ। आप शहर में तो गए ही नहीं, आप तो बाईपास ही चल रहे हो एकदम पूरी। अगर आप कहो तो आपको चप्पल या मेरे जूते पहन जाओ आप। नहीं, मैं बिना जूतों के चला जाऊंगा। अगर आपको अगर लेने हैं तो बताओ, चप्पल भी हमारे पास, चप्पल चाहिए तो, अगर चप्पल चाहिए तो चप्पल भी दे सकते हैं आपको। ये देखिए चप्पल, ये चप्पल ले लीजिए आप, अगर आपको चाहिए तो पहन लीजिए भैया, मैं इनको और चप्पल दिला दूंगा। अगर आपके पैर कैसे चलोगे आप इतनी दूर ये बताइए मेरे को? सर्दी बहुत ज़्यादा सर्दी है,
यहाँ जा रहे हैं इंशाल्लाह, आज राजगढ़ में रुकेंगे ठहरेंगे फिर कल इंशाल्लाह चलेंगे। अरे कोट चाहिए तो कोट भी दिला देता हूँ। कुछ नहीं बस दुआ दे दो, बस दुआ बहुत। दुआ तो भाई साहब आपके साथ है, आप देके जाओ दुआ तो हमें कि आप हमें मिले, हमसे बात की। बहुत अच्छा लगा मेरे को कि कोई बंदा ऐसा भी इस रोड पे चल रहा है जो पैदल पैदल अजमेर शरीफ। आपको वहाँ पे के किस लिए जा रहे हो आप, पूजा करने के लिए क्या क्या? नहीं, वहाँ गरीब नवाज का दरगाह शरीफ है ना, हाँ तो वही जियारत करेंगे, जिसको हिंदू लैंग्वेज के अंदर दर्शन कहा जाता है। अच्छा अच्छा, दर्शन करते हो आप, दर्शन करोगे? हाँ जियारत करेंगे। आप पढ़े लिखे कितने हो? कभी स्कूल कभी कॉलेज कभी ऐसा कुछ पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन फिर भी अल्लाह का एहसान है कि कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ। तो आप को हजारों लोग देख रहे हैं अभी, मेरे जो चैनल है उस पर हजारों लोग देख रहे हैं, आप उनको क्या कहोगे कि भी आपकी तरह उनको भी जाना चाहिए? आप इधर आ जाओ, रोड से इधर आ जाओ, क्यों गाड़ियाँ बहुत हाईवे पे गाड़ियाँ बहुत चल रही है। तो आप उनको भी कुछ कहना चाहोगे जो देख रहे हैं अभी? एक्चुअली बात यह है कि मेरी तरह ज़िंदगी हर कोई नहीं जी सकता, नहीं जी सकता आपकी तरह। और ये दुनिया में जो ज़िंदगी मैं जी रहा हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि मरने के बाद मेरा ठिकाना जहन्नम है। जहन्नम नहीं होगा भाई साहब, जहन्नम तो होगा ही नहीं, क्योंकि आप तो एक वो भी कह सकते हैं कि वो इंसान हो जो इंसान से दुनियादारी का कोई वास्ता ही नहीं है, सिर्फ भगवान के लिए आप जा रहे हो कि मैं भगवान के दर्शन करूँ, नवाज शरीफ अजमेर जहाँ भी आप जा रहे हो। जैसे आप अल्लाह बोल देते हो, हम लोग भगवान बोल देते हैं। नहीं, फिर भी अल्लाह पाक ने मुझे भी दिमाग दिया है ना। हाँ, अल्लाह पाक ने मुझे भी तंदुरुस्ती दिया, ताकत दिया, हाथ पैर में ताकत है। मैं भी मेहनत करके खा सकता हूँ। लेकिन क्या वजह है ये बात की कि मैं कहीं भी मांग के खाता हूँ, राहों में रहता हूँ, तो ऐसे तो अल्लाह की मर्जी तो इस तरह की जिंदगी जीने की नहीं है। अल्लाह ने क्या बताया, अगर तू मेरा बंदा है तो मेरे हिसाब से अपनी ज़िंदगी बसर कर। हाँ हाँ सही है। और अल्लाह के नक्शे कदम और अल्लाह के बताए हुए ज़िंदगी से मैं मुख्तलिफ चलूँगा तो यकीनन अल्लाह के अजाब का पूरा मेरे ऊपर अजाब होगा ही होगा। तो मैं तो आपकी हेल्प के लिए आया था यहाँ पर कि भी अगर परिवार से बिछड़े हुए होंगे तो उनको उनके परिवार तक पहुंचाएंगे। अब भी आपकी जो हालत है, आप ठंड बहुत ज़्यादा है, हमारे चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, उसके लिए अगर आपको कोट की व्यवस्था करवानी है तो मैं कोट दे सकता हूँ आपको, ठीक है। चंपल की व्यवस्था है तो चंपल ले सकते हो आप। आपको अगर खाना नहीं खाया तो खाना खा सकते हो। आपको किस तरीके की मदद चाहिए मेरे से वो बताइए। कुछ नहीं, बस दुआएँ खैर करें इंशाल्लाह के जो मेरा अंजाम होने वाला है मरने के बाद। और वो अच्छा ही होगा, आपका इंजाम होगा वो बहुत अच्छा ही होगा, क्योंकि आप नेक बंदे हो, आपको दुनियादारी से मतलब नहीं, आप अपने मुकाम की तरफ चल रहे हो कि मैं अजमेर दरगाह पर ही पहुंचूं किसी ना किसी तरीके से। हाँ, इंशाल्लाह। आपकी जो सोच है भाई भगवान के दरबार में पहुंच जाऊं मैं किसी ना किसी तरीके से। अजमेर नज़दीक भी नहीं है, अजमेर हमसे भी काफ़ी दूर है, करीब 400-500 किलोमीटर दूर है। तो और भी आप कुछ कहना मेरे से, कोई हेल्प या फिर किसी प्रकार की अगर आप कहो तो कपड़े चेंज करवा दें, नहला दें आपको, पैसे की मदद किसी भी प्रकार पैसे की है मेरे पास, पैसे हैं कोई भोजन की तो किसी भी प्रकार की कोई वो नहीं है क्या भी, हम कोई भी आपकी मदद। राजगढ़ में इंशाल्लाह कहीं ना कहीं कुछ होटल ढाबा होगा, वहाँ से अगर भूख, वैसे अभी तो भूख महसूस नहीं, हाँ लेकिन अगर ऐसा कभी महसूस हुआ तो कहीं से भी लेके खा लेंगे, या कोई ऐसे भी दे देगा तो ले लेंगे। नहीं, वो तो मिल जाएगा खाना, तो खाने के लिए कोई मना नहीं करेगा आपको। आप बहुत लोग देख रहे हैं आपको, और मैं लोगों से एक अपील भी करता हूँ आपके लिए, ये सार रोड हाईवे सालासर फतेहपुर, और ये अभी आप चूरू होते हुए निकलोगे, जब आप अजमेर जाओगे तो चूरू से जयपुर जाना पड़ेगा। तो रस्ते में जितने भी भाई मेरा होटल वाले भाई मेरा वीडियो देख रहे हैं, होटल वाले भाई मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो भाई जरा गौर करना, अभी राजगढ़ गुलपरा मोड़ के नज़दीक भाई ये पहुंचा है, और मैंने इसको हेल्प के लिए बोला है कि कोट चाहिए कोट ले लो, चंपल चाहिए चंपल ले लो, लेकिन देखिए चंपल भी नहीं पहन रखी है, और कपड़े भी काफ़ी दिन से नहाए नहीं है, लेकिन कपड़े भी मैं बोल रहा हूँ कि कपड़े भी दूसरे ले लो, बाल भी बड़े बड़े हो रहे हैं, दाढ़ी भी बड़ी बड़ी हो रही है, सिर पे टोपी भी लगा रखी है, और भाई ने मेरे को बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि मेरे को किसी प्रकार की मदद नहीं चाहिए। तो मैं राजगढ़ से और अजमेर तक जितने भी भाई होटल वाले मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सभी से एक बात कहना चाहूँगा कि ये भाई देख लीजिए,
अगर ये आपके पास किसी के पास भी किसी भी प्रकार की मदद लेने पहुंचे तो इस भाई की मदद जरूर करें, क्योंकि लेने जो पैसे नहीं, जिसको पैसे की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दो वक्त के खाने की ज़रूरत है, उस ऐसे व्यक्ति की हमें मदद करनी चाहिए और इस इंसान की हम सबको मदद करनी चाहिए। वीडियो आपको शेयर जरूर करना है, क्योंकि शेयर करोगे तभी ये ना पूरे भारत में ये व्यक्ति की जो मिसाल हो सकता है। ये पूरी तरह से मैं ही हूँ, ये देखो ये मेरा ये निशान है। क्या निशान है ये? हो सकता है कि अगर कोई दूसरा आदमी मेरी तरह का कपड़ा पहन के और दाढ़ी भी रख के और वो कुछ गलत करता होगा, उसका इल्जाम मेरे पास आता नहीं, होगा नहीं आएगा। तो ये पूरी तरह से मैं आपके कपड़ों पे कारी लगी हुई है, जो कपड़े पे जो फट जाते हैं तो दूसरे कपड़े भी नहीं पहने पहनता भाई, और देखिए फटे हुए कपड़े पहन रखे सारे के सारे, और वास्ते में और इसको मदद की आवश्यकता नहीं है। ऐसे बंदे को मैं सलाम करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ इस भाई को कि वास्ते में कोई नेक बंदा आज मेरे से मिला है और मेरे को अपनी पूरी सच्चाई इसने बताई। मैंने मदद की भी कोशिश की कि इस भाई की मैं मदद करूँ, किसी ना किसी किसी ये पैसे भी नहीं ले रहा, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बंद करने के बाद में इस भाई की कुछ ना कुछ मदद जरूर करके जाऊंगा, क्योंकि दिखाने से कोई दान किया हुआ दान नहीं होता, लेकिन बिना दिखाए हुए दान जरूर करके जाऊंगा मैं। इसने मेरे से कुछ मांगा नहीं है, लेकिन मैं मेरी मर्जी से इस भाई को जरूर कुछ ना कुछ देके